वाव, क्या खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है किचन टिरोल में नहीं, इंडिया में है। ये इंडिया की राइस है। पुलाव बना लो, बिरयानी बना लो, कुछ भी बना लो, बस टेस्टी ही बनता है। दाने दाने में ना इंडिया की महक आती है। अच्छी? अच्छा है। इस सब की जरूरत तो थी नहीं, फिर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? आई मीन ये तुम्हारा काम तो है नहीं ना, तो तुम क्यों कर रही हो बताओ ना, क्यों? कुछ नहीं। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं ना राघव, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम मेरी मम्मा से मिलने उनके घर गए, मेरे भाई भाभी ने तुमसे ठीक से बात नहीं की, फिर भी तुम नॉर्मली बिहेव कर रहे थे उनके साथ, और मैंने इतना बड़ा इल्जाम डाल दिया तुम पर कि तुमने संजना को और वैसे भी राघव, तुम्हारी ये फैमिली तुम्हारे लिए सब कुछ है, इतना तो मैं समझ गई हूँ इतने दोनों में, तो सोचा इतनी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। Let me help you. इतना सॉलिड कैसे लग सकता है ना मासी? याद है ना तुम्हें माय लव कि तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो? कहीं ऐसा ना हो कि ग्लैमरस लगने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाए और पूरा प्लान चौपट हो जाए। सो मार्क माय वर्ड्स, प्लेटलेट डाउन। संजना मेहरा ऑस्ट्रियन हाई सोसाइटी की होने वाली नई क्वीन। One minute. Let me also be there in the frame. Click now. Oh, babes, I'm on diet. Actually, Sanjana, मेरा हक तो नहीं बनता, पर मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। वो एक्चुअली दादी बहुत परेशान है तुम्हें लेकर। वो उन्होंने तुम्हें हील्स में देखा और तुम गिर गई, तो वो थोड़ा परेशान हो गई। एंड आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक प्रेगनेंसी में हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए। और वैसे भी अब तुम तो नहीं रहोगी ना? व्हाट? अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मतलब नाउ दैट यू आर प्रेगनेंट एवरीथिंग विल चेंज। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग विल बी फॉर द बेबी, है ना? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। यू आर सो लकी कि दादी तुमसे सब कुछ शेयर करती है। एंड आई प्रॉमिस यू कि संजना हाई हील्स नहीं पहनेगी। और ये दूध रख दो, मैं पिलाऊंगी उसको। थैंक्स। नैना, शरबत इज ऑसम। आई एम श्योर द गेस्ट्स आर गोइंग टू लव इट। अरे कैसे मुझे याद आया, पार्टी में जो गेस्ट्स आ रहे हैं ना, उनको सर्व करते वक्त वेटिंग स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनना मत भूलना। वो क्या है ना कि आज जो गेस्ट आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे गेस्ट तुम्हारी शादी में भी आए थे, तो वो अगर तुम्हें देखेंगे और इनके इस पहचान गए तो उनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि हम तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं। बेबान? हाँ एब्सोल्युटली। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि नैना एक काम करना, अगर तुम्हारे फिट का कोई कॉस्ट्यूम ना हो तो वो वेट्रेस वाली ड्रेस तो होगी ना तुम्हारे पास, वो पहन लेना। आई होप यू डोंट माइंड ना। जैसा आप ठीक समझे। ये बहन जी होती कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? मैं वही पहनूंगी जो मुझे पहनना है। संजू, मैंने आपको देखा है शायद पहले कहीं। Excuse me. Excuse me, sir.
Will you have something? नैना, ये सब क्या है? भैया, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं तो सिर्फ मैं भी आई। एक मिनट, चलो चलो चलो। कमाल कर दिया नैना ने तो, इतनी टेस्टी बिरयानी। ओ, इतनी टेस्टी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ठीक, अच्छा वो है कहाँ? माँ यही कहीं होगी, आप खाना तो खत्म कीजिए। वैसे मेरी इन दो बहुओं ने तो कभी किचन संभाला नहीं, कुछ सीखना है तो नैना से सीख लेना। सब ठीक है ना? ये सब क्या है? दादी राघव, दादी राघव। जी दादी। ये सब क्या है? मैं इसलिए नैना को इस घर में नहीं लाई थी कि उसे नौकरों की तरह ट्रीट किया जाए। ये क्या तरीका है? तूने ऐसा होने कैसे दिया? ये घर की बहू है, ये इस तरह के कपड़े पहन के घूमती रहेगी क्या? दादी मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सच्ची, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो काम करने से कैसी शर्म? बेटे हो इस घर की बहू, घर की बहू बन के सर्व करो लोगों को, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह के कपड़े अच्छा नहीं लग रहा। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। आज मेहरा खानदान के बड़े बेटे वीर का रिश्ता तय हो रहा है। वैसे तो ज्यादातर जब किसी राजकुमार की शादी होती है तो बहुत सी राजकुमारियों का दिल टूट जाता है, लेकिन हमारे राजकुमार यानी वीर का दिल संजना ने जीत लिया है। सो दिस सेव द डेट पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू। हम चाहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स इस ब्यूटीफुल कपल को दें। कम माय डार्लिंग, कम। थैंक यू एंड विश देम अ फैबुलस फ्यूचर। सो लेट्स रेज अ टोस्ट टू माय फैंटास्टिक सन वीर एंड संजना। Cheers! Yeah. Veer, a few words from you. Sure. Hi guys. Meri mom to aise keh rahi thi jaise main koi prize hoon. Waise hoon bhi. Par thoda modest to banna hi padta hai na. Waise aaj ka ye din agar special hai, to uske peeche sirf ek insaan ka haath. And we all should thank that person. और वो स्पेशल पर्सन है नैना, आई मीन मिसेस नैना, नैना मेरा मेरा। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू नैना, थैंक यू सो मच। ना ही तुम मेरी लाइफ में आती और ना ही ये सब होता, और अगर ये सब ना होता तो संजू मेरी लाइफ में नहीं आती। Thank you so much. ये सब पॉसिबल हुआ तुम और तुम्हारे इस पति की वजह से। So, cheers to them. Cheers. Actually, वीर की तरह मैं भी किसी इंसान को आज का टोस्ट डेडिकेट करना चाहती हूँ। I toast this evening to you, Raghav. Thank you so much for always being there. तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, कभी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। I mean, हर बार तुमने मेरे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेरी हेल्प की है। वीर के साथ शादी, वो तो मेरा सबसे बड़ा सपना था, और आज वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा होने जा रहा है। So thank you so much.
यू मेड इट पॉसिबल फॉर मी राघव. मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी. थैंक यू. दिस इज फॉर राघव. Cheers. Cheers. देखो ना, राघव मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए तो ये टोस्ट मैंने उसके लिए रेस किया है. वो मुझसे शादी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ करा रहा है जिससे मैं प्यार करती हूँ. आई नो उसका दिल टूटा, लेकिन फिर भी अपने प्यार की खुशी चाहना, इट्स अ बिग थिंग, राइट? यू नो व्हाट, तुम बहुत लकी, तुम्हें इतना केयरिंग और प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है. आई नो वो तुमसे प्यार व्यार बिल्कुल नहीं करता है, बट स्कोप तो है बंदे. क्यों? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.